देखो हमने इतना कर लिया था, यहाँ पर ये वाली चीज आ गई थी, अब ये हमारे पास, इसको हम माइनस वन को अंदर ले जाएंगे और ये वैल्यू किसकी है, एफ एन जेड की, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये चल रहा था, राइट साइड में हमने एफ एन ये वाली चीज चल रही है। अब एफ एन जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में एफ एन क्यू जेड की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली चीज इक्वल आ गई दिस टर्म के, ठीक है। लेफ्ट में एफ एन क्यू जेड की वैल्यू को पुट कर दिया और राइट में एफ एन जेड की वैल्यू को पुट कर दिया। इसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है हमने, ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे ना जब इस टर्म को, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, जे हमारे पास समीशन वेरी कर रहा है माइनस एन से लेकर एन तक, ठीक है। तो हमने इन पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर ली इसके अंदर, के माइनस वन और के पुट किया। जब हम इसके अंदर के माइनस वन पुट करेंगे, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ इसके अंदर समीशन इस पे चल रहा है, तो इस पे जब हम के माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ के माइनस वन पुट करेंगे जे की जगह, जब हम इसमें j की जगह k पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। एक बार हमने j की जगह k माइनस वन पुट किया और एक बार j की जगह हमने k पुट किया, ये पूरी की पूरी टर्म चल रही है। जैसे कि j की जगह जब k माइनस वन पुट करेंगे तो दिस टर्म ये वाली, और j की जगह जब k पुट करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। राइट साइड में भी यही चीज होगी, हमने एक बार जे की जगह के माइनस वन पुट किया तो इस टर्म की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और एक बार जे की जगह हम के पुट करेंगे तो इस टर्म की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। समीशन चल रहा है तो हमारे पास बीच में प्लस का निशान आएगा, ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब जस्ट चीजें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, एक एक स्टेप यहाँ पर खोल कर किया हुआ है, कोई भी फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना। तो यहाँ पर जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों तरफ हमने z रेस टू पावर 2k के कोफिशियंट को कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इस टर्म को इसके इक्वल आ जाएगी। यहां से अगेन हमने ak माइनस वन वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और ak वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, ठीक है। तो यहां से हम ak माइनस वन की वैल्यू को निकाल सकते हैं दिस बाय दिस टर्म, ठीक है, हमारे पास यहां से ak माइनस वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमने k की जगह n पुट किया, k की जगह n पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर k की जगह n माइनस वन पुट किया स्टार में तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4n माइनस टू आ जाएगा, तो ये वाली टर्म आ गई। अब यहां पर an माइनस वन की वैल्यू हमें पता है ये है, तो हमने यहां से उठा के an माइनस वन की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो हमारे पास an माइनस टू की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसी से जनरलाइज करना है इसको, ठीक है, ए एन माइनस टू की वैल्यू आ गई, तो हम अब क्या करेंगे, के माइनस वन की जगह पुट करेंगे एन माइनस जे, तो मतलब के की जगह हम पुट कर रहे हैं एन माइनस जे प्लस वन पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर स्टार में जब हम के की जगह एन माइनस जे प्लस वन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अभी हमने कुछ जनरलाइज नहीं किया, जस्ट इक्वेशन स्टार में के की जगह एन माइनस जे प्लस वन पुट किया है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब जनरलाइज करेंगे इसको, देखो जब हम यहां से n माइनस टू कर रहे थे तो माइनस वन यहां से कॉमन निकाल लो, माइनस वन यहां से कॉमन निकाल लो, तो माइनस वन का स्केयर आ रहा था जब n माइनस टू था, यहां पर n माइनस जे है तो माइनस वन की पावर जे आ जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, वन माइनस क्यू की पावर फोर एन, वन माइनस क्यू की पावर फोर एन माइनस टू, इस टाइप से बचेंगी टर्म्स। अब यहां पर भी फिर यहां पर दो तक गई थी, अब यहां पर एन माइनस जे है तो टू जे फोर एन माइनस टू जे प्लस टू तक जाएंगी। आप देखो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फोर एन माइनस टू जे माइनस टू तक, ठीक है। तो यहां पर माइनस वन की पावर जे बाहर निकल गया, वन माइनस क्यू की पावर फोर एन, वन माइनस क्यू की पावर फोर एन माइनस टू, इसी तरीके से कहां तक जाएंगी, वन माइनस क्यू की पावर फोर एन माइनस टू जे माइनस टू तक, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्यू की पावर एन टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, इसी तरीके से यहां पे जब एन माइनस जे करेंगे तो टर्म टू एन माइनस टू जे प्लस वन तक जाएंगी, और बची हुई नीचे लिख देंगे वन माइनस क्यू स्केयर वन माइनस क्यू की पावर फोर अप टू कहां तक, वन माइनस क्यू की पावर टू जे तक, ठीक है। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहां से जब हम टू पे कर रहे थे तो क्या था और जे पे कर रहे थे तो क्या रहा है।
अगर फिर भी ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि थ्योरम लेंथी है और इसको फिर 3-4 वीडियो बन जाएंगी इसी थ्योरम के ऊपर, अगर इसको बिल्कुल खोल खोल के करवाने लगे तो। ठीक है, फिर अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट में हर टर्म में ए एन आ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए एन। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई ए एन माइनस जे की। अब इसे और भी सिंप्लीफाई करेंगे, अगला स्टेप में देखो क्या लिख रखा है, जस्ट ये नीचे जो टर्म्स है प्रोडक्ट में, तो पावर का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही वाली चीज लिखी हुई है, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन पावर्स का सम निकालना है हमें। पावर्स का सम कैसे निकालेंगे, देखो जो ये टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं, जे टर्म्स हैं, क्योंकि एन माइनस जे चल रहा है, तो यहाँ पर आप काउंट भी करोगे ना एन की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के, तब भी आपको पता चल जाएगा जो ये टर्म्स है कितनी है, टोटल जे टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये टोटल जे टर्म्स हैं, अब इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब इसका सम देखो कैसे निकलेगा, पावर में देखो हमारे पास क्या चल रहा है, 2n-1 प्लस 2n-3 प्लस अप टू 2n-2j-1, ये वाली चीज चल रही है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। n मीन्स टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, j, तो j बाय 2 2 इंटू ए, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, मतलब 2n-1। ठीक है, प्लस n-1 मीन्स j-1, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, -2। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जे 2n-j, हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो हमारे पास q की पावर कितनी चली गई, जे 2n-j, क्योंकि हमने सबका सम कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला चीज आ गई, बाकी a कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर ए एन की वैल्यू पुट कर दी जो हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है, -1 की पावर n q n स्केयर। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो q की पावर n स्केयर में से माइनस कर देंगे इस टर्म को। ठीक है, नीचे हमारे पास एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर इसको होल स्केयर लिख सकते हैं n माइनस जे का। यहाँ पर हमने क्या किया, -1 की पावर 2j भी मल्टीप्लाई कर दी, जैसे -1 की पावर n+j है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 की पावर 2j से, क्योंकि इवन है तो 1 ही आएगा, तो -1 की पावर n+j+2j लिख सकते हैं हम इसे, सॉरी n-j है यहाँ पर, तो हम इसको ये वाली टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही लिखा है, इनटू में एज इट इज है बाकी सब कुछ। ठीक है, अब देखो n-j की जगह k पुट कर लिया, यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जब हम n-j की जगह k पुट करेंगे तो। ठीक है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख लिया, ऊपर भी और नीचे भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया इस टर्म को इस प्रोडक्ट से। ठीक है, जो हमारे पास एक की वैल्यू आई थी, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस टर्म से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एक। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एच की पावर जो प्रोडक्ट है 1 से लेकर n+k तक यहाँ थी और उससे आगे यहाँ तक है, तो हम इसको एक के साथ लिख सकते हैं, तो हमारे पास एच कहाँ से कहाँ तक वैरी कर जाएगा, 1 से लेकर 2n तक टोटल। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 से लेकर n+, इसको तो नीचे तो एज अलग अलग ही लिखी हुई है इसने, नीचे हमने इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म थी इसको क्या नाम दे दिया, 2n q स्केयर। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज, इस टर्म को नाम दे दिया 5n-k q स्केयर, जो लास्ट वाला ना वही हमने इसके इंडेक्स में लिखा है, तो 5 2k q स्केयर, ये वाली टर्म एज इट इज। नीचे क्या लिखा है, 5n-k q स्केयर, और यहाँ पे इस टर्म को क्या नाम दे दिया, 5n+k q स्केयर। ये किसकी वैल्यू है, पूरी की पूरी ए के की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जहां पर एफ एन जेड की वैल्यू थी, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, और उसमें जेड की जगह पुट कर दिया क्यू की पावर 1/2। ये स्टेप आप खुद से करके देखना, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को जो डिफ्रेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में, और जेड की जगह पुट करना है क्यू की पावर 1/2, तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अगेन, देखो अब जैसे कि ये वाली टर्म हमारे पास आ गई थी, क्या कैसे आई थी, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करने के बाद z के रिस्पेक्ट में और z की जगह q की पावर 1/2 पुट करने के बाद। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ से अगला स्टेप, ये वाली जो चीज़ है 2 × q^-1/2 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ 1 − q^2 के बन जाएगी, और 1 − q^2 × k, और k हमारे पास जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक हो रहा है, तो ये किसकी वैल्यू अभी हम ऊपर करके आए हैं, फाई एन क्यू स्केयर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर n तक है प्रोडक्ट, तो ये वाली चीज किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये पूरी फाई एन क्यू स्केयर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने इसको नाम दे दिया फाई एन क्यू स्केयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चल रहा है ये वाली चीज, इसकी प्रोडक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया इस नंबर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम j की जगह 1 पुट करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, तो इस प्रोडक्ट को हम इसी के अंदर मिला लेते हैं, तो हमने जब इसको इसके अंदर मिलाया तो हमारे पास क्या बन गई, प्रोडक्ट 1 से लेकर n तक, ठीक है, तो ये तो इसी के अंदर आ गया, और नीचे क्या बच गया, 1 − q^2 n, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। अब देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 1 − q^2 j, जहां पर प्रोडक्ट j 1 से लेकर n तक है, बट इस टाइप के टर्म को हमने क्या नाम दिया था, फाई एन क्यू स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम j की जगह n रख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये j 1 से n तक j ही रखेंगे, क्योंकि n तो हमारे पास n तक तो टर्म्स ही हैं, ठीक है, तो j 1 से n तक ये वाली टर्म है, और इसको हमने क्या नाम दिया था अभी, फाई एन क्यू स्केयर, ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, फाई एन क्यू स्केयर। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया फाई एन क्यू स्केयर ही बन गई वो टर्म भी, ठीक है, तो हमने ये फाई एन क्यू स्केयर इंटू फाई एन क्यू स्केयर इसका होल स्केयर बन जाएगा, नीचे हमारे पास ये वाली टर्म चल रही है, ये वाले यहां तक खत्म कर दिया हमने स्टेप, ठीक है, ये हमने इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब एफ एन जेड की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने जेड को रिप्लेस कर दिया q^1/2 से, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, एफ एन डैश q^1/2 की, और इक्वेशन नंबर थर्ड में भी इसी की वैल्यू थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हमने दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन डबल स्टार आ गई, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया कि फाई एन क्यू स्केयर का होल स्केयर इसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो इस इक्वेशन को उठा के अब हमने कहां पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर फोर्थ इन डबल स्टार, हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर फोर्थ को सब्स्टिट्यूट कर दिया डबल स्टार के अंदर, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, देखो यहां पर इसका यूज हो रहा है, और इक्वेशन नंबर फोर्थ में हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, तो इसकी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ डबल स्टार में पुट कर दी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई एन क्यू स्केयर का होल स्केयर इक्वल है 1 − q^2 n, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, लेफ्ट में हमारे पास ये वाली टर्म चल रही थी, ठीक है, तो फाई एन क्यू स्केयर का स्केयर इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समीशन जे माइनस एन से लेकर एन तक चल रहा है, जब इसे 1 से n तक लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, यहाँ पर क्यू जे है तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्यू जे माइनस क्यू की पावर माइनस जे, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर भी ए जे है तो ए माइनस जे भी आना चाहिए, पर हम दिखा चुके हैं कि ए माइनस जे तो ए जे के इक्वल ही है, ठीक है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए जे वी गेट, अब यहाँ पर हमें ए जे की वैल्यू पता है, हम निकाल चुके हैं।